नमस्कार दर्शकों आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है हाल ही में दर्शकों ने इन्हें जो वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था महिला क्रिकेट का उसमें विकेट कीपिंग करते हुए देखा होगा और सबसे गर्व की बात है कि सुषमा वर्मा हमारे हिमाचल की ऐसी जो हैं वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे हम क्रिकेट की अगर बात करें तो पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रदेश का जो है नेतृत्व किया होगा वहां पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सुषमा जी सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसा लगा जब आप जो वर्ल्ड कप में खेली आई थिंक इट्स ड्रीम कम ट्रू फॉर जो भी क्रिकेट जो भी लड़कियां या जो भी प्लेयर ड्रीम करता है कि मुझे क्रिकेटर बनना है और फिर उसके बाद कंट्री रिप्रेजेंट करना और फिर वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी जैसे बड़े इवेंट में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था जाने से पहले आई मीन आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि um, मैं डेफिनेटली अच्छा करूंगी और एज अ टीम भी सब लोग अच्छा करें बिकॉज इस चीज के लिए हम लोग पिछले दो साल से प्रिपेयर कर रहे थे mm -hmm. uh, कि ये uh, सब लोग डेस्परेटली वेट कर रहे थे कि हम कब वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पे खेलें और अच्छा परफॉर्म करें बिकॉज आज तक किसी ने वुमेन क्रिकेट को इतना अच्छे से वॉच नहीं किया था तो हम चाह रहे थे कि हम uh, अच्छा परफॉर्म करें और सो दैट की वो इंडिया में भी वो चेंज आए जैसे मैंस क्रिकेट के लिए नाइनटीन वर्ल्ड कप जीतने के बाद आया था लेकिन ठीक है हम मैच आई मीन फाइनल मैच नहीं जीत पाए उसका दुख रहेगा हमेशा बट जिस तरीके से आई मीन फाइनल तक हम लोग खेले बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सो ये चीज अच्छा लग रहा है कि uh, हम लोग रन जप है वी हैव सिल्वर मेडल इनह सो वो ये चीज अच्छी है सुन्नी से बहुत छोटा सा कहे जाए तो शहर है या कस्बा कहें इसको हिमाचल का बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे नहीं सुन्नी के बारे में लेकिन सुन्नी का नाम अचानक जो है इतना मशहूर हो गया सब लोग जानने लगे कि सुषमा वर्मा सुन्नी से हैं सब लोगों ने मुझे याद है कि जिस दिन आपका वर्ल्ड कप वो था फाइनल था उस दिन अचानक मुझे जो है वो, वो फोन आता है दिल्ली ऑफिस से कि उनको ढूंढो उनके परिवार को ढूंढो <laughs> तो ऑल द वे सुननी पहुंचना आपके जो फादर हैं उनसे बात करना और उनमें जो उत्साह था आपको लेकर आप खेल रही थी तो वो उत्साह उनकी नजरों में उनकी बातों में बिल्कुल नजर आ रहा था तो कितना मुश्किल रहा ये सफर क्योंकि छोटी जगह से जब आप क्रिकेट के बारे में सोचती हैं खास करके महिलाएं जो है वो क्रिकेट आमतौर पर नहीं खेलते हैं ये माना जाता है वो उनका गेम नहीं है right, right. तो कैसे सोचा हम शुरुआत से जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या इंस्पिरेशन थी कि आपने क्रिकेट के को एज अ गेम चुनने की बारे में सोचा uh, मैंने ये डिसीजन काफ़ी लेट लिया बिकॉज uh, मुझे नहीं पता था कि लड़कियों की भी टीम होती है लड़कियां भी प्रोफेशनली क्रिकेट खेलती है सीखती है मुझे ये सारी चीजों के बारे में कुछ पता नहीं था बट बचपन से मेरे अंदर क्रिकेट का कीड़ा था आई मीन आई वाज वेरी पैशनेट फॉर क्रिकेट कि मुझे खेलना है यार चाहे वो गली में खेला एक आई मीन I mean, कपड़े की बॉल से खेलते थे और एक जिससे कपड़े साफ करते हैं वो धापी जो रहती है हाँ, वो लकड़ी का बैट उससे खेला करते थे गली में लड़कों के साथ वहां भी कोई लड़की नहीं खेलती थी तो so, वो कहीं ना कहीं अंदर वो चीजें थी और बस उस चीज के लिए एक एक्सपोजर का हो या प्लेटफॉर्म वो नहीं मिल रहा था जब तक मैं स्कूल में थी बिकॉज मैं स्कूल टाइम्स में भी आ, मैंने हैंडबॉल में नेशनल खेला है वॉलीबॉल बैडमिंटन इन सब गेम्स में मैंने स्टेट नेशनल ये सब खेला है तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ क्रिकेट ही मेरे माइंड में था उस क्रिकेट से पहले मेरे माइंड में ये चीज थी कि यार मुझे इन सब गेम्स में आई मीन इंडिया रिप्रेजेंट करना है या अच्छे लेवल पे खेलना है बट उस चीज के लिए उस टाइम एक्सपोजर की कमी कहूँ या फिर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं कैसे इस चीज को आई मीन प्रोफेशनली चुनूँ ये सारी गेम्स को तो प्लस टू के प्लस टू के बाद वो पढ़ाई खत्म करने के बाद ये टाइम होता है लाइफ में ऐसे डिसीजंस लेने का फॉर्म डिसीजंस लेने का जहां आ, मैंने आ, आई I मीन mean, मैंने वो डिसीजन लिया कि मुझे अभी पढ़ाई नहीं करनी है मुझे आ, मुझे स्पोर्ट्स में कुछ प्रोफेशनली मुझे अब डिसाइड करना है कि मैं किस में आगे अपना फ्यूचर परस्यू करूँ वो टाइम जब मैं मेरा लास्ट डे था स्कूल का तो कौन से आ, year की बात होगी ये टू थाउजेंड की बात है जो अच्छा। तो, मैं प्लस टू का लास्ट एग्जाम था प्रैक्टिकल था तो मैं स्कूल सबको बाय करने गई थी अपने टीचर्स को तो वन ऑफ मई वॉलीबॉल कोच मिस्टर राजेश शर्मा उन्होंने मुझे मेरी और एक न्यूज़पेपर पेपर फेंका कि ये चलो लाइब्रेरी में हम लोग डेली जाते थे कि ये न्यूज़पेपर पढ़ो देखो इसमें क्या आर्टिकल आये उसमें लिखा था बिकॉज उनसे मैंने एक बार शेयर किया था खेलते खेलते कि सर मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है मैं क्रिकेटर नहीं। नहीं। बनना चाहती हूँ सो so, उनको भी नहीं पता था कि ये सारी चीजें कैसे होगी बिकॉज वो भी वॉलीबॉल बैडमिंटन इन सब में इन सब के कोच थे तो मैंने वो आर्टिकल पढ़ा उसमें लिखा था कि हिमाचल में खुलेगी क्रिकेट एकेडमी एंड दैट वाज द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अनुराग ठाकुर सो so, वो मैंने वो सर ने मैंने शर को बताया कि सर मुझे यहाँ जाना है ये क्या चीज़ है पता करो इसके बारे में सो so, उन्होंने कहा कि अपने पेरेंट्स से जाके पहले बात करो सो so, मैं वापस गई मैंने अपनी सिस्टर को बताया जो मेरे साथ उस टाइम पे थी तो नेक्स्ट डे उसने कहा दो दिन में ट्रायल्स थे समर हिल यूनिवर्सिटी में तो मैंने जाके उसको बोला कि चले यार मेरे साथ मुझे ये प्लीज़ मुझे ट्रायल्स में जाना है बट अब घर घर पे किसी को मत बता अभी प्लीज़ अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें क्या होगा या चीज़ें कैसे होगी बिकॉज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने जा रही थी क्रिकेट को तो उस दिन ट्रायल्स नहीं हो पाए बारिश की वजह से तो नेक्स्ट फिर थ्री डेज का ट्रायल प्रोसेस था धर्मशाला में अच्छा। तो हम धर्मशाला गए मैं पापा को मैंने कन्विंस करा कि मेरे साथ चलो बिकॉज शिमला जैसी जगह से पहली बार घर से बाहर निकलना जहाँ कभी हम घर से बाहर नहीं निकले चीजें पता नहीं है बाहर कैसे रहना है आई I मीन mean, कैसे ट्रैवल करना है तो ये चीजें डिफिकल्ट थी उस टाइम तो पापा ने उस टाइम कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तो पापा आए और वो तीन दिन का जो ट्रायल प्रोसेस था उसमें मैंने आई मीन उसी में मैंने, I mean, उस मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये ट्रायल्स में सिलेक्ट होना है कैसे भी करके मुझे टॉप थर्टी जो एकेडमी में रेजिडेंशियल एकेडमी में लड़कियां रहने जा रही थी उस टाइम पे उसमें आना है तो वो तीन आ, मतलब तीन दिन में बहुत मेहनत की बहुत कोचिज को बहुत इम्प्रेस किया कि मैं सिर्फ बॉलिंग ही नहीं मैं बैटिंग भी कर सकती आई मीन मैं कीपिंग भी कर सकती हूँ तीनों डिपार्टमेंट में जितना हो सकता था मैंने किया बाकी उसके बाद से असली जो स्ट्रगल है वो उसके बाद से स्टार्ट हुआ है आई I मीन mean, क्रिकेट के बेसिक्स से कहो या लाइफ के बेसिक्स से कहो वो सारी चीजें वहां एज अ ग्रुप हम लोग एज अ फैमिली और रेजिडेंशियल अकेडमी में रहते थे धर्मशाला में मतलब वो टाइम एक एक डिफ़िकल्ट टाइम से आज जो टाइम है वो वो जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई और ये कम से कम छः या सात साल पुरानी बात है तो वहाँ डेली रेगुलर बेसिस पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे छः से सात घंटे दिन में प्रैक्टिस होती थी तो वही रूटीन आज तक है और डिफरेंस इतना है कि उस टाइम कोई जानता नहीं था हाँ। आज वर्ल्ड कप रनर्स अप होने के बाद लोग पहचानते हैं लो, लोगों को पता है कि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है पहले हाँ। तो लोगों को पहले दो तीन नाम पता थे फीमेल क्रिकेटर्स के लाइक झूलन गोस्वामी मिताली राजन दोस्ट हु उस टाइम से और अभी लोग जानते हैं जब हम मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे तो आई मीन दो सेकंड में वहां भीड़ हो रही थी हर किसी प्लेयर के आसपास उनको पता है कि यश सुषमा वर्मा कौन है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट के लिए अभी वर्ल्ड कप में उसने क्या किया है सो so, ये चीजें हैं स्ट्रगल आई मीन डे बाय डे स्ट्रगल है ऐसा नहीं है कि अभी इफ वी वी आर आर रिप्रेजेंटिंग कंट्री या अप हमें ये सारी चीजें मिल रही है तो लाइफ इजी डेली अलग तरह का स्ट्रगल है अलग तरह की डिफिकल्टीज है just... नहीं लेकिन मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि तीन अचानक जो है वॉलीबॉल प्लेयर जो, या जो है वो डिफरेंट गेम से एकदम क्रिकेट के बारे में सोचना तो उस दिन के वो जो तीन दिन थे मैं एनालाइज सोच रही थी कभी क्या कि कभी एनालाइज किया तुम कैसा क्रिकेट खेली I think <laughs> मैंने इतना अच्छा नहीं खेला डेफिनेटली बिकॉज हाँ. सब सब कुछ मैंने आ, मैंने जीरो से स्टार्ट किया है अकेडमी में बिकॉज hmm. मैंने कभी लेदर बॉल या प्रोफेशनली फुल गियर्स में मैंने अपने आप को कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे वो सब आई I मीन mean, इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि मैं भी पूरा लेग गार्ड्स क्रिकेट स्पाइक्स आई मीन ग्लव्स और प्रॉपर बैट ये सब पहन के खेल, मैं खेलू खेल उनकी हाँ. तो वो वो दिन था आई I मीन mean, वो तीन दिन नहीं नहीं मतलब उसके बाद जो मेन टाइम था वो उसके बाद का था hmm. तीन दिन में मुझे नहीं लगता मैंने इतना अच्छा या इतना इम्प्रेसिव किया बट उस टाइम वही मेरे लिए बहुत कुछ था बिल्कुल उस टाइम वही हंड्रेड परसेंट देना मेरे लिए आई मीन I mean, जितना मैं आज कंट्री के लिए हंड्रेड परसेंट देने की कोशिश करती हूँ वो ऑल इक्वल था सुषमा से बहुत पुरानी बात याद आती है कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो जैसे तुमने कहा कि वो बॉल जुराबों से बॉल बनाकर क्रिकेट खेला और मैंने भी बहुत खेला है वो अरे <laughs> लेकिन एक बहुत मतलब ये भी एक किस्सा है कि जब उसके बाद ए, पहली बार सोचा कि भाई बॉयज के साथ हम मैं, मैं कोएड में पढ़ी हुई हूँ आमतौर पर शिमला में ऐसे लोग मतलब एक ही स्कूल था तो मुझे याद है कि हमारे वो मैचेस हुआ करते थे तो एक बार कहा कि अब बॉयज और गर्ल्स का मैच होगा मतलब मिक्स टीम बन गई एक एक। और जैसी वो लेदर वाली बॉल आई मुझे इतना फेयर वाला छोड़ के भाग गई बिल्कुल, बिल्कुल, तो मतलब इस, इस तरह की इतना फेयर लेदर बॉल अपने आप में बहुत आ, लगता है कि बिल्कुल ऐसी चीजें मेरे दिमाग में भी थी मुझे याद है फर्स्ट डे मतलब एक लड़की है निकिता चौहान उसके पेरेंट्स आए थे साथ में सो दे दे वर ऑलरेडी इनटू क्रिकेट ऑल फुल फैमिली नो कि वो इक्विपमेंट्स क्या है मुझे ये सारी चीजें भी पता नहीं थी कि बैटिंग लेग गार्ड अलग होते हैं सो है। so, वो, वो चीजें वो इन चीजों से अवेयर थे सो so, उसके पापा ने मेरी और बॉल थ्रो किया और वो जाके सीधा मेरी शिन पे लग गया तो मुझे याद है वो दूसरा बॉल बन गया मेरी शिन पे आई मीन इतना शेल हो गया था तो तीन चार दिन तक मुझे वहां पेन करता था और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार इट्स नॉट इजी मुझे टफ खड़े होना पड़ेगा ऐसे नई चीजें चलेगी mm -hmm. so, uh, हुआ क्या कि फिर uh, अगले तीन चार महीने बाद मेरे एक जॉब है इधर बॉल लग गया है mm -hmm. तो उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ कि हेलमेट पहनना भी कंपलसरी है mm -hmm. उस, उस दिन के बाद से मैंने आज तक हेलमेट पहनना नहीं छोड़ा mm -hmm. ये वोन अभी तक फ्रैक्चर है उसके mm -hmm. बाद इधर आईब्रो पे कट लगा तो ये सारी चीजें होती रहेगी आई मीन वन हैव टू स्टे स्ट्रांग क्योंकि ऐसे ईजिली कुछ नहीं मिलेगा अगर आप ग्राउंड में खड़े हो चोट लगेगी सारी चीजें होगी बट आपको स्ट्रांगली खड़ा होना पड़ेगा एंड यू हैव टू डू गुड और क्या कुछ ऐसा शेयर करना चाहोगी कि जो आ, मतलब एकेडमी में जैसे आप महिला सारी लड़कियां रहती थी तो कुछ शेयर करना चाहोगी किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि आम तौर पर खिलाड़ी की जो जिंदगी है उसे आम लोग जो है वो वाकिफ नहीं रहते हैं तो किस तरह का माहौल रहता है क्यों जो महिलाएं हैं उनको गेम्स में जाना चाहिए ये सारी चीजें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं मन में आती है अगर मे, मे, मेरे ख्याल से अगर मेरी भी बेटी होती तो मैं चार पांच बार जरूर सोचती कि उसको गेम में किसी में भेजूं कि नहीं भेजूं क्योंकि इट्स अ नॉट अ ग्लैमरस फील्ड एट ऑल फॉर वन फॉर वुमेन <laughs> ऐसा आई थिंक ऐसा जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था मैंने ये चीज़ें फेस की बहुत लोगों के एक्सप्रेशंस बहुत डिफरेंट होते थे कि यार लड़कियाँ क्रिकेट खेलती हैं मतलब उनको कन्विंस करना डिफिकल्ट होता था कि हाँ यार हम लोग ही है जो आई मीन स्टेट हिमाचल प्रदेश को रिप्रजेंट करते हैं hmm. फिर लेटर इंडिया रिप्रजेंट करते हैं hmm. उनको डिफ़िकल्ट uh, जाता था बिलीव करवाना कई बार तो मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट हुए कि मैंने लोगों के फोन पर खुद निकाल के कि यार गूगल तो करो एटलीस्ट कि हम लोग खेलते हैं ये देखो आपको बिलीव नहीं हो रहा है सो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें भी हुई है एकेडमी टाइम पे हमारी रूटीन्स इस तरह की होती थी कि हम लोग इतने ज़्यादा लोगों से अट्रैक्ट नहीं करते थे आ, या फिर इंट्रैक्ट नहीं।, नहीं करते थे सॉरी बट आ, उसके बाद आ, जैसे अकेडमी में सब लोग और सारे अभी छोटे बच्चे हैं तो सारे स्कूल में भी है बिकॉज अभी ऐसे हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि यार क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेटर ही बनना है हाँ हाँ। अब की लाइफ में कुछ भी हो सकता, सकता है।, है बिल्कुल सो so, सब लोग इक्वली पढ़ाई को भी इंपॉर्टेंस देते हैं बहुत आई थिंक अभी अकेडमी में बहुत स्टूडियस बच्चे हैं सारे अच्छा क्रिकेट भी अच्छा खेल रहे हैं पढ़ाई भी अच्छा करें तो सेम टाइम हम लोग के टाइम पे भी था छह सात साल पहले कि इतना टाइम नहीं मिलता था कि कुछ क्रिकेट और पढ़ाई के सिवाय कोई और चीजें भी करें क्योंकि पूरा दिन पूरा पैक रहता था रूटीन्स में क्या करना है बट इंसिडेंट आई थिंक मुझे मेरे पास इतने ज्यादा नहीं है शेयर करने को बिकॉज आई वॉज द सीनियर मोस्ट गर्ल इन अकेडमी एंड लॉड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक मतलब मैं कुछ चीज़ें नहीं बता सकती हूँ कि किस तरीके से कुछ एक बच्चा आई uh, मीन I mean, जो सिक्स क्लास में पढ़ रहा है और मैं ऑलरेडी कॉलेज में हूँ mm. उस बच्चे को कैसे अपने साथ लेके जाना है सो so, ये mm. सारी चीज़ें हैं जो लाइफ uh, टाइम मतलब uh, मुझे अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट uh, अपने से जो जूनियर्स बच्चे हैं उनको भी कभी हेल्प किया mm. या फिर आई uh, मीन um, I mean, उनको गाइड किया सो ये सारी चीज़ें हैं जो एकेडमी से मतलब मेरे साथ हमेशा मेरी मेमोरी में, में रहती है हुँ, हुँ, हुँ. कुछ ऐसी कोई ऐसा इंसिडेंट जो शेयर करना चाहो जब हम गेम्स खेलते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं खास करके जब आप नेशनल जाते हो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों से इंटरेक्ट करते हो तो जब आप कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आता हो एक, एक फर्स्ट टाइम जब मैं सिलेक्ट हुई नॉर्थ जोन टीम में हुँ. तो उस टाइम एज अ विकेट कीपर मैं खेल रही थी और जो बाकी के दस प्लेयर थे वो सारे ऑलरेडी कंट्री रिप्रेजेंट कर चुके थे आई I मीन mean, कुछ एक करंट इंडिया प्लेयर्स थे कुछ ऑलरेडी खेल चुके थे सो so, सब लोग आई I मीन mean, जिनको मैं फॉलो करती हूँ आप उनके साथ खेलना इट्स ए ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। उस टाइम फर्स्ट मैच हम लोग चेन्नई में खेल रहे थे मुझे याद है हम लोग साउथ के साथ हमारा मैच था साउथ जोन के साथ तो so, मैं कीपिंग कर रही थी और आ, आ, स्लिप में अंजुम चोपड़ा आपको अगर पता हो वन ऑफ द फेमस फेस ऑफ वुमेन क्रिकेट और उसके बाद गली में अनदर लेजेंड जया शर्मा एंड फिर उसके बाद पॉइंट में लतिका एंड देन कवच में रीमा मल्होत्रा देन हरमन इन मिड uh, ऑफ तो ये सारी चीज़ें जब मैंने अपना हेलमेट उठा के देखा मैं अपना स्टांस पे बैठ रही थी और मैं नज़र लगाती हूँ तो देखा सारे इंडियन प्लेयर्स यार रहा मतलब वो मैं ये ये कहूँ वो एक्साइटमेंट में हुआ या फिर नर्वसनेस या फिर कुछ प्रेशर uh, वो सारी चीज़ें मतलब उसके बाद वो मैच खत्म होने के बाद मुझे uh, मेरा मुझे फीवर हो गया था वन जब बिकॉज uh, या फिर ये कहो कि चेन्नई जैसी जगह में पहली बार मैच खेल रहे थे जहाँ इतनी ज़्यादा हीट में hmm. तो वापस जाके जब फिजियो को पता चला कि इसको फीवर है तो उन्होंने मेरे से बात किया कि तुझे बिकॉज वो भी समझते हैं कि एक जूनियर के लिए आई I मीन mean, इंडिया प्लेयर्स के बीच में जाके खेलना वो नर्वस तो डेफिनेटली होगा तो उन्होंने मेरी सिचुएशन समझी कि ऐसा क्यों हुआ और जाके उन्होंने अंजुम चोपड़ा जो हमारी कैप्टन थी उनको बताया कि ये इसको ऐसे ऐसे फीवर है जस्ट बिकॉज कि इसने थोड़ा सा प्रेशर ले लिया है ये वो नहीं। नहीं। तो जाके उससे बात करो तो वो मेरे पास हंसते हंसते आए और कहते कि तू हमारे से डर रही है या फिर तू नर्वस है क्या चल रहा है मैंने बोला मैं कह दीदी मुझे थोड़ा नर्वसनेस थी बिकॉज hmm. मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग आई मीन पूरे इंडियन टीम जो hmm. इंडिया के दस प्लेयर्स है वो उनके साथ मैं खेलूंगी तो hmm. so, उसके बाद आई I मीन mean, एक 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 तरह का मुझे आज जब फील होता है कि ऐसा क्यों हो यार तो मुझे अपने ऊपर बहुत मतलब एक तरह से ऐसा लगता है कि बहुत

I mean, एक यंगस्टर्स को एक अपकमिंग uh, प्लेयर को uh, कितना इफेक्ट करता है आई मीन सीनियर्स का होना और ना होना mm -hmm. विकेट कीपिंग क्यों चुना आपने <laughs> क्योंकि जब बात होती है हम अगर मेन क्रिकेट की बात करें ना तो बॉलर का बड़ा नाम होता है या बैट्समैन का बहुत नाम होता है क्रिकेट uh, की बात करें तो बहुत कम क्रिकेटर्स मतलब विकेट कीपर्स का जो है वो नाम हुआ जी, जी, जी. है तो विकेट कीपिंग क्यों ये uh, एक्चुअली yeah, <laughs> ऐसी मतलब चलते चलते हो गया सारा काम मैंने भी नहीं सोचा कि मैं विकेट कीपिंग करूंगी ट्रायल्स <laughs> वाले दिन मैंने फास्ट बॉलिंग करनी चाहिए तो मेरा एक्शन I mean, हमें पूरा आम रोटेट करके बॉल डालना होता है तभी वो बॉल लीगल है सर ने मुझे कहा कि तुम तो थ्रो करती हो तुम प्रॉपर बॉलर नहीं हो नहीं। तो मैंने कहा चलो सर नेक्स्ट पे मैं बैटिंग कर लेती हूँ आप वेट करो मेरे को ये था कि ये लोग मेरे को निकाल ना दे अभी हुँ। हुँ। तो मुझे था कि मुझे बैटिंग करनी है मुझे कैसे भी करके आना है तो मैंने बैटिंग की बैटिंग में मुझे ये नहीं पता था कि डिफेंस और टेक्निकली मुझे कुछ नई चीजें पता थी तो वो वो उस टाइम देख रहे थे कि कौन टेक्निकली ज्यादा साउंड है अच्छा। और कौन गेम को समझ रहा है बॉलर को समझ रहा है तो आ, फिर मैंने नेक्स्ट देखा कि यार मुझे तो गली वाली बैटिंग आती है एक उधर उड़ाओ दूसरी उधर उड़ाओ कुछ कनेक्ट हो रही थी कुछ नहीं कनेक्ट हो रही थी मुझे तो इस तरीके की बैटिंग आती है तो मतलब उनके बहुत सारे सिलेक्टर्स वहां पे उस टाइम पे थे तो उन सबके एक्सप्रेशन से मुझे लगा कि शायद ये मुझे सिलेक्ट नहीं करेंगे अच्छा। उनके पास गई बिकॉज वो एकदम में खड़े थे hmm. तो hmm. hmm. बैडमिंटन ऑलरेडी खेलती थी दोनों hmm. की ड्रेस सेम रहती hmm. है वाइट किट सो हैंडबॉल के मेरे पास शूज थे जो स्टर्ट hmm. तो उनको लगा मैं ऑलरेडी क्रिकेट खेल चुकी हूँ मुझे मेरे गेयर से पहचान रहे थे तो उनको बिलीव नहीं हो रहा था मैं मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला है तो एक उनमें से एक सिलेक्टर ने तो ये भी कहा तुम झूठ बोल रहे हो तुम हमें झूठ बोल रही हो कि तुम क्रिकेट नहीं खेली हो hmm. तो मैंने सडनली मैं रुक गई और फिर मैंने उन सर से बात किया कि सर अभी मुझे नहीं करने वाले हैं मुझे ऐसा लग रहा है प्लीज मुझे कैसे भी सिलेक्ट होना है आप बताओ hmm. कैसे होगा कहते कुछ और आता है hmm. मैंने बोला सर रहता है क्या है विकेट कीपिंग hmm. मैं विकेट कीपिंग कर लूंगी अच्छा। तो ये <laughs> ये वो टाइम था विकेट कीपिंग मैंने की और उसके बाद जब धीरे धीरे एकेडमी में हम लोग इनिशियली कॉस्को बॉल से मैचेस खेलते थे तो तो उस टाइम पे सर मुझे विकेट के पीछे खड़ा कर देते थे तो मेरे मैं मैंने गली क्रिकेट में भी मैं वन ऑफ द बेस्ट फील्डर होती थी मुझे बैटिंग और बॉलिंग करने का कम मौका मिलता था बिकॉज लड़के आपको पता है कैसे डोमिनेट करते हैं और आप अकेली लड़की जब खेल रहे हो तो मैं सिर्फ एज अ फील्डर खेलती थी तो उस टाइम वो चीज़ उसने को हेल्प किया कि

वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद मैच खत्म होने के बाद पूरा टूर्नामेंट जब खत्म हुआ तो मुझे किसी का मैसेज आया कि आपको पता है आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मैंने so, <laughs> uh, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक्चुअली अभी तक किसी के भी फिफ्टीन डिसमिसल्स नहीं है वुमेन क्रिकेट में वर्ल्ड कप में so, उसमें से जो एट स्टम्पिंग्स है और uh, 7 कैचेस तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक बिल्कुल बिल्कुल और आप आर क्योंकि अभी आप बहुत यंग हैं 23 इयर्स आई सपोज़ 24 23 uh, 24, 24, 24 तो बहुत यंग हैं बहुत लंबा करियर है और बहुत सारे आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगी ये so बिल्कुल हम आशा करते हैं एक बात क्योंकि हमने देखो क्रिकेट में आपको खेलते हुए भी देखा आपकी बातें भी जब आप मशहूर हो जाती हैं तो आपकी बहुत सारी बातें मीडिया में आने लग जाती है सोशल मीडिया में भी आने लग जाती है जो बात नहीं आती है वो होती है घर की बात जी जी <laughs> तो कुछ क्योंकि घर का जब तक सपोर्ट ना हो कोई भाई भी, भी अचीवमेंट नहीं हो पाती है तो किस तरह का माहौल घर में मिला कितने भाई बहन हैं आप और मतलब क्या ऐसा कारण था कि लड़कियां जो है सब आम तो स्पोर्ट्स में नहीं जाती है नहीं। और खास करके सुन्नी की लड़की का स्पोर्ट्स में जाना हम मतलब कहीं ना कहीं एक मन में जरूर जिज्ञासा पैदा करता है क्योंकि आमतौर तो पर शहर की बच, जी, बच्चों जी। को इस तरह का एकस्पोजर एकस्पोजर रहता है लेकिन गाँव के बच्चे या छोटे कस्बे के बच्चों को इस तरह का एक्सपोजर नहीं मिलता है तो क्या किस तरह का सपोर्ट जो है वो फैमिली से मिला मुझे उनको क्रेडिट दूंगी बिकॉज अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो अकेले इतनी लंबी जर्नी करनी बहुत डिफिकल्ट है बिल्कुल uh, मुझे आज भी याद है जब मैंने घर uh, छोड़ा था आई मीन प्लस टू के बाद मैं घर से निकली और उसके बाद जब मैं दो साल तक घर एक बार बीच में घर आई हूँ फर्स्ट टू इयर्स में तो बिकॉज मुझे ये था कि uh, मेरे माइंड में ये चीजें चल रही थी मैंने क्रिकेट प्रोफेशनली बहुत लेट डिसाइड किया है क्रिकेट खेलना जब मैं सत्रह साल की थी तो मुझे यही था कि मुझे अगर चौदह साल के बच्चे जितना खेलना है और इतना लेट खेलना है मुझे इंडिया अगर खेलना है मुझे बहुत जल्दी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी और उसके लिए मुझे और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो so, मैंने इनिशियली अवॉइड किया घर आना कि मुझे प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा टाइम देना है तो वो टाइम था जब पेरेंट्स नहीं मतलब घर से वो लोग बैक करते थे कि चलो कोई बात नहीं इनफैक्ट मम्मी तो इतना ज़्यादा वो मतलब उनका मेरे पे वो रहता था कि जैसे ही मैं अगर घर में मैंने प्लान किया मैं घर एक वीक रुकने वाली हूँ तीसरे दिन ही मुझे कहना शुरू कर देते तू चली प्रैक्टिस पे इफेक्ट करेगा और मौसम कभी भी खराब हो सकता है रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं आपको पता है है पे कैसा रहता है। तो तू यहाँ जाएगी और फिर आगे तेरी सिलेक्शन या मैचेस इफेक्ट करेगी ये चीज सो so, इस चीज से मुझे अच्छा लगता था कि यार आई एम नॉट वरीड अबाउट माई पेरेंट्स की वो मेरे बारे में मतलब मेरे को लेके क्या सोचते हैं बट इनिशियली कन्विंस करना डिफिकल्ट गया पेरेंट्स को तो नहीं बट आस पास जितने लोग रिलेटिव रहते हैं बिकॉज उनको नहीं पता था मैं क्या करने गई हूँ धर्मशाला उन्हें लगा कि मैं स्टडी करने गई हूं, बट ऐसा नहीं था तो थोड़ा टाइम लगता है लोगों को ये बताने में कि यार लड़की है घर से बाहर निकली है कुछ करने निकली है और आई थिंक अभी शायद कोई ये सवाल नहीं पूछेगा या मैं कहा हूँ क्यों हूँ और मम्मी भी I mean, मम्मी इस चीज से बहुत डिफरेंस रहते थे लोगों की बातें सुन के हाँ। क्योंकि लोग कुछ भी बोलते हैं बिल्कुल आस के लोग यार पता नहीं आपकी लड़की कहाँ है क्या कर रही है तो मैंने मम्मी को जैसे एक बात बताई कि मम्मी आप मेरे पे भरोसा रखो अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है आप, लो, आप लोगों की जितना आप लोगों को हमारे पे भरोसा हम सब कर रहे हैं डेफिनेटली इस चीज में अगर आप मेरा साथ दोगे तो आई मीन ये मेरे लिए डू एंड डाई सिचुएशन वाला काम है मेरे करियर के लिए आपने बिल्कुल प्रूव किया है कि भाई जो है वो लड़कियों को अगर मौका मिले तो वो जो है वो आसमान छू सकती हैं और जब एक बार सफल हो जाता है आदमी तो फिर बातें भी बलत हो जाती है तो आपने बिल्कुल।, बिल्कुल लोगों को एक एक कहा जाए तो एक तरह से जो लड़कियां हैं उनको को प्रेरणा दी है और उन लड़ उन लोगों के लिए जो है आपने एक सबक दिया है उनको कि मैं जो लड़कियां हैं उन पर भरोसा रखना चाहिए वो कुछ भी कर सकती हैं और जो न केवल अपने परिवार का बल्कि आपने पूरे प्रदेश का नाम जो है वो रोशन किया आप हमारे स्टूडियो में आई आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं चाहूंगी कि सारी जो इतनी भी लड़कियां हैं हमारे हिमाचल की वो आपसे प्रेरणा लें और जो खेल है जो आमतौर पर जो है वो पुरुष प्रधान जो माना जाता है वहाँ पर भी महिलाएं अपना एक बहुत अलग मुकाम बनाए नमस्कार